Dr. Janak P Joshi. He is going to speak on sanitation and literature. नमस्कार मंचस्थ महानुभावों को डॉक्टर पाठक साहब को और सभागृह में उपस्थित सभी को मेरा सादर वंदन इस सत्र के अंतर्गत दो अलग अलग मुद्दों पर बातें होने जा रही हैं जिनमें से एक मुद्दा है स्वच्छता का सांस्कृतिक अभिगम मैंने साहित्य को इसलिए पसंद किया है कि वह सांस्कृतिकता का एक हिस्सा है मेरा शीर्षक है स्वच्छता और साहित्य स्वच्छता जीवन का पर्याय है जीवन की स्वस्थता व संपूर्णता के लिए स्वच्छता का अहम योगदान माना जाता है जीवन के पल पल में स्वच्छता की अनिवार्यता महसूस होती है हमारे जीवन के सभी चरणों में स्वच्छता की गरिमा कायम है मन के विचारों का स्वच्छ होना भी जरूरी है तो शरीर के लिए भी स्वच्छता का होना उतना ही जरूरी है मनुष्य तो समाज की एक बहुमूल्य इकाई है समाज और मनुष्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित है फलतः दोनों का स्वस्थ रहना एक दूसरे पर ही निर्भर है यह मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि दोनों की स्वच्छता की बुनियाद है स्वच्छता यह सच है कि स्वच्छता जीवनाधार अवश्य है किंतु जीवन की नाना गतिविधियों में साहित्य का महत्व भी कम नहीं है जैसे अन्न शरीर की खुराक है वैसे साहित्य मस्तिष्क की खुराक मानी जाती है स्वच्छता के लिए दोनों की अहमियत जरूरी है कहा गया है कि तलवार की ताकत से भी कई गुना ताकत साहित्य में है भारतवर्ष की अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है मेरा विनम्र प्रयास है कि हिंदी साहित्य को मद्देनजर रखकर मैं स्वच्छता के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने कर रहा हूं हिंदी साहित्य की विगत 1000 वर्ष में अनगिनत रचनाकारों का योगदान समाज को प्राप्त हुआ जिन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में यथाकथित या यत्र तत्र स्वच्छता के संदर्भ में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कहीं न कहीं निरूपण किया है पद हों काव्य हों गद्य हों जो भी हों लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छता का या स्वच्छता के संदर्भ में कुछ न कुछ तो उन्होंने बताया है आदिकालीन रचना में हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ आदिकालीन रचना पृथ्वीराज राशो का शायद आप सभी ने नाम सुना होगा जिनके रचनाकार चंद बरदाई उन्होंने पृथ्वीराज के महल और उनके वन आखेट के समय के वर्णन में स्वच्छता का अनुरोध किया है साथ साथ मध्यकालीन कवि कबीर तुलसीदास सूरदास इनके नामों से हम अनभिज्ञ नहीं हैं तो उनकी रचनाओं को भी एक नज़र देखें तो बेशक उनमें कहीं ना कहीं स्वच्छता का सुर हमें सुनाई देता है एक स्थान पर कबीर कहते हैं अपुन का सुख पाइए कर सुच्छ नगर का मगन जो न रहे सुच्छ तन मन सुवर्ण बन जीवन वहां पर भी कबीर ने भले ही शायद स्वच्छता उनका लक्ष्य सीधा न हो लेकिन स्वच्छता की बात अवश्य कही है तुलसीदास भी अपनी कई रचनाओं में स्वच्छता के संदर्भ में कुछ न कुछ कहते रहे हैं तुलसीदास की भी एक पंक्ति मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ तन का सुख तब पाइए जब सुघड़ होए जनमन का मन सुघड़ राज सफल होए बड़ी बात कही यहाँ पर सुघड़ मतलब स्वच्छता के संदर्भ में है इस प्रकार सूरदास ने भी बाल लीलाओं में नंद के घर के वर्णन में स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में कुछ न कुछ विचार व्यक्त किए हैं हिंदी आधुनिक काल के जनक भारतेंदु जी उन्होंने अपनी रचना अंधेर नगरी जो 1881 में लिखी उस समय भी उन्होंने स्वच्छता के संदर्भ में आवाज उठाई थी अंधेर नगरी का दूसरा अंक है जो बाजार का दृश्य है उस दृश्य में अमलदार लोगों को स्वच्छता के लिए संदेश देता है तो वहां भी स्वच्छता की नींव बुनियाद
हमें दिखाई पड़ी हैं, जो आज एक वटवृक्ष बनकर हमारे आदरणीय पाठक जी जैसे लोगों के द्वारा बिल्कुल फैलाव प्राप्त किए हुए हैं। मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ। भारतेंदु के बाद आने वाले साहित्य में भी स्वच्छता के संदर्भ में अवश्य हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुर सुनाई दिए। सियाराम शरण गुप्त हिंदी साहित्य का एक नाम, बेजोड़ नाम है। उनके नारी उपन्यास में उनकी नायिका लोगों को, अपने मोहल्लों के निवासियों को स्वच्छता के संदर्भ में संदेश देती है, सिख देती हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम भी बहुत ही मूल्यवान रहा, जिनके कंकाल इरावती उपन्यास में उन्होंने स्वच्छता के संदर्भ में भी विवरण किया। जब हम लोग आधुनिक काल की बात करें तो कलम का सिपाही की संज्ञा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद को कैसे भूल पाए। प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआ कहानी लिखी है, सदगति कहानी लिखी है, कफन कहानी लिखी है। जिन्होंने इन कहानियों का अभ्यास किया है वो मेरे साथ अवश्य चलेंगे कि उनमें भी स्वच्छता के संदर्भ में कहीं ना कहीं सूर है। ठाकुर का कुआ का, कुएं का गंदे का गंदा पानी जो पशु मर जाता है और जो बदबू फैल जाती है, वह गंदगी के सिवा कुछ नहीं, और गंदगी के खिलाफ मुहिम उठाना प्रेमचंद चुके नहीं हैं। तो कुछ ऐसी बातें साहित्य में हमें बेशक प्राप्त होती हैं। कुछ आगे चलकर प्रेमचंद के दूसरे उपन्यास का उदाहरण लिया जाए, गोदान का अलोमहर्षक ट्रेजडी, जिनमें भी ग्राम्य और नगरीय स्तर पर स्वच्छता के संदर्भ में प्रेमचंद कहीं ना कहीं बातें करते रहे हैं। प्रेमचंदोत्तर साहित्य में आज के दौर में एक बहुत बड़ा नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिन्होंने जूठन अपने आत्मकथा लिखी। अब ये जो जूठन आत्मकथा है, बरेला गांव उत्तर प्रदेश का उनका वतन, वहाँ का जो वर्णन किया है, उनकी बस्ती का वर्णन किया है, उस बस्ती के वर्णन के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर गंदगी और गंदगी का कारण फैलाने वाली बीमारियाँ आदि का सटीक वर्णन किया है। तो साहित्य यह है कि समाज के कोने कोने तक पहुँचकर वह अपनी बात पहुंचाता है। ऐसे साहित्यकारों के द्वारा कई रचनाएं लिखी गई हैं, समय अभाव में मैं सारी बातों को व्यक्त नहीं कर सकता। अंत में, साहित्य के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जैसे कि मीडिया भी एक साहित्य है। आज सुबह हमने देखा जो सुलभ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी वह एक साहित्य है, और उसके द्वारा भी जागृति फैलाने का कार्य हो रहा है। फिलहाल अभी प्रस्तुत होने वाली एक टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो एक ऐसी फिल्म थी कि जिसमें स्वच्छता की बात कही गई है। मेरा मानना अवश्य है, शायद मेरे साथ आप लोग भी ये अवश्य मानते रहेंगे, कि साहित्य में वह बल है, साहित्य में वह ताकत है, साहित्य वह क्षमता लिए हुए हैं कि स्वच्छता हो या कोई भी आयाम हो, वह समाज के कोने कोने तक पहुंचाने में बेशक सक्षम है। अंत में मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि यदि साहित्यकार अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाता हुआ समाजोन्मुख होकर साहित्य की रचना करता है, तो साहित्य और समाज दोनों को सही दिशा प्राप्त होती है, और समाज की नाना समस्याओं का समाधान साहित्य के द्वारा बेशक हो जाता है। आने वाला कल भी उज्जवल है, आज भी उज्जवल है। मैं मानता हूँ कि अभी अपने अभिव्यक्तियों के माध्यम से समाज में साहित्यकार स्वच्छता की प्रेरणा गुंज सुना सकता है। साहित्य और स्वच्छता का संबंध कालजयी है और रहेगा। अस्तु, धन्यवाद। धन्यवाद जोशी साहब। आई थिंक बहुत सही इन्होंने बात रखी है कि स्वच्छता और साहित्य जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं साहित्य जो है वो एक प्रकार से समाज का दर्पण है, और सैनिटेशन किस प्रकार से उसका एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। खास करके जो कुछ उदाहरण जो इन्होंने प्रस्तुत किए हैं विभिन्न प्रसंगों से, वो किस प्रकार से एक प्रासंगिकता को सही मायनों में रखते हैं। तो सैनिटेशन जो है वो एक कोई नया इन्वेंशन नहीं है, बट एक हिस्टोरिकल प्रोसीडिंग्स हैं जिसको अलग अलग समय में अलग अलग स्वरूपों में देखा गया है। नेक्स्ट